क्लासरूम को देखिए और एक बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के बारे में सोचिए, या योगी आदित्यनाथ की रैली के बारे में सोचिए, अखिलेश यादव की रैली के बारे में सोचिए, उन होटलों के बारे में सोचिए जिन होटलों में वो चर्चाएं होती हैं देश को बदलने के लिए, और उसके बाद इस क्लासरूम को देखिए और जरा सोचिए कि जो विद्यार्थी यहां पर पढ़ते होंगे उनका भविष्य क्या है, वो आगे जाकर क्या करेंगे। जिन नारों पर हमें गुमान होता है, हम जब भारत माता की जय का नारा बोलते हैं और हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है, उसकी असली हकीकत यहां पे छिपी हुई है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका और हिंदुस्तान के आबादी में मौजूद बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़ी आबादी बच्चों की ऐसे ही स्कूलों में पढ़ रही है। यह उत्तर प्रदेश के एक गांव का स्कूल है जो स्कूल कम खंडहर ज्यादा दिखता है। ये जो खाली बस्ते दिख रहे हैं और इसके नीचे जो चट्टी बिछाई गई है, बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं। वो बच्चे इस समय गए हैं मतदाता रैली में भाग लेने। जिन बच्चों का अधिकार राजनीति ने पूरी तरह से छीन लिया है, वो मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने गए हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है आप खुद समझ सकते हैं। तो ये आप पूरा स्कूल देखिए, स्कूल का एक बार ढांचा देखिए, किस तरह का स्कूल है। इस स्कूल को देखिए और इसके बाद से आप सोचिए कि वो जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, जहां पर आपको जाते ही लगता है कि यहां से आप हिंदुस्तान बदल देंगे, और वही स्कूल हर अखबार में, अंग्रेजी के हर टीवी चैनल में दिखाए जाते हैं और उन्हीं के बहाने ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान बदल रहा है, लेकिन वह बहुत छोटा हिस्सा है। भारत की बहुत बड़ी आबादी यहां पर पढ़ती है और उससे ये हम ये कामना करते हैं कि वो भारत को बदलेगी, लोगों में सुख शांति आएगा, गरीबी हटेगी, और सारा का सारा बोझ हम चंद नेताओं पर डाल देते हैं, लेकिन वो नेता करते क्या हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। अगर आप यहां से देखें तो यह पूरा भविष्य पूरी तरह से मजदूर बनने के लिए जा रहा है। यहां से पढ़ा हुआ बच्चा अपनी जिंदगी में 10वीं पास करते के बाद यह नहीं सोचता कि वह इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर बनेगा या मास्टर बनेगा। वह केवल एक बात सोचता है कि वह क्या काम करे कि उसे 2 जून की रोटी मिल जाए। यही भारत की असली तस्वीर है। अब आप एक चलते चलते आप केवल यहां पर आकर देख लीजिए, ये स्थिति है, ये देखिए, ये स्थिति है, यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। शुक्रिया।